ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗ ਦਾ, ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗ ਦਾ, ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਾਸਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਤੇਰੇ ਮੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਐਸਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਆ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਨਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਐਸਮ ਸਾਦਕ। ਆਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਕਾ ਵਲੋਗ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਲੋਗ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕਭੀ ਬਣਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਯੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੁਣਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੋਂ ਸੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਨ ਪਲਟੇ ਸੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਨਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਵੀ ਝੂਮਨੇ ਲਗੇ। ਔਰ ਹੱਕ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਔਰ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ੋਰਾ ਅਫਾਕ ਕਲਾਮ ਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਸਮਾਤੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਵਜਤ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦੀਆ। ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਉਨਕੀ ਕਬਰ ਕੋ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗ ਦਾ, ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗ ਦਾ, ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਾਸਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਤੇਰੇ ਮੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਖੁਦਾਈ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਐਸਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਆ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਇਸਮੇਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਤੇ, ਔਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਔਰ ਹੈ, ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਅਤਾਉਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪੇ
जनाब शौकत अली साहब और चौथे नंबर पे जनाब आरफ लोहार साहब। ये चार लोग अगर ना होते तो आज एसएम सादक ना होता, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जनाब नुसरत फतेह खान साहब से। मेरी पहली मुलाकात कब हुई और मैंने उनमें जो शफकत देखी, यकीन करो मैंने किसी इंसान में आज तक नहीं देखी। नाज़रीन, जो शायर हैं, जो राइटर हैं, जो कहते हैं जी मैं शायरी करना चाहता हूँ, पहले तो ये है कि आज की बात जो है वो मेरी है सिर्फ नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में। यहाँ पर मैं शायरों की बात करना नहीं चाहता, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा जिसमें शायरी की बात भी करूँगा कि राइटर के अंदर जब तक खुदा की तरफ से कोई बात ना रखी गई हो, उसके अंदर वो टैलेंट ना हो कुदरती तौर पर, तो वो कभी शायर नहीं बन सकता। तो नाज़रीन, बात यह है कि आज क्योंकि जनाब नुसरत फतेह खान साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करूँ, लेकिन जो कौमें ज़िंदा रहती हैं वो अपने मौसनों को कभी नहीं भूलती, और जो अपने मौसनों को भूल जाती हैं तो इस सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। तो आज क्योंकि मैं और कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कि आपका व्लॉग जो है बहुत लंबा होता है, तो इसको मैंने 10 मिनट में या 9 मिनट में ख़त्म करना है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई, ये तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र 15 साल पूरी नहीं थी, मुझे याद नहीं 2 महीने कम होगी या 2 महीने ज़्यादा होगी। मैंने अपनी डायरी उनके आगे रखी, वो वाजा लेके बैठे हुए थे, बड़े पुरवकार तरीके से वो अंदर से निकले, बाहर उनके घर के ऊपर नीचे ट्रकों का अड्डा था लसूड़ी शाह जंग बाज़ार में, तो वो आकर मंजे पर बैठ गए और उनके आगे एक बंदे ने आकर बाजा रख दिया हारमोनियम, उन्होंने हारमोनियम पर हाथ रखा। नाज़रीन, मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, जो इंटरनेशनल लोग हैं, बाली सब्बू है, सोनू निगम है, धर्मिंदर साहब हैं, दलेर मेहंदी है, हंसराज हंस हैं, जितने भी हैं लोग, अजीज़ मियां कवाल है, जितने भी कवाल है नाम राहत फतेह अली खान, ये जितने भी लोग हैं ये सब जानते हैं कि मैंने राहत फतेह अली खान साहब का एक गाना था जो कि जिस दिन अखियाँ लड़ियाँ बड़ियाँ हंसियाँ सन और नज़र नहीं आता यार ते रोंदियाँ रहदियाँ, इस पर मेरा मुझे इंडिया से अवार्ड भी मेरा अलाउंस हुआ, तो फिर हालात की वजह से मतलब मैं ना जा सका। तो मसला ये है कि तो इनसे अगर किसी का रबता है, कोई कर सकता है, अगर पूछ ले कि 3 या 4 मिनट से ज़्यादा मैंने आज तक किसी कलाम पे नहीं लगाए, उसकी वजह यह है कि जो 35 साल की मेरी रिहर्सल थी, जो मेरी मुशक्कत थी, जो मेरा मुश्किलों का दौर था, उसमें मैंने सिर्फ उठते बैठते खाते पीते मैंने शायरी के बारे में ही सोचा। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस व्लॉग में शायरी के बारे में बात नहीं करना चाहता, आखिर पे थोड़ी बात करूँगा कि इसका सिस्टम क्या होता है और किस तरह से ये आती है बंदे को, लेकिन उस बंदे में टैलेंट कुदरती तौर पर होना चाहिए कि अल्लाह ने उसको, जैसा कि बुल्ले शाह साहब और वारे शाह साहब और ये हमारे हैं पीर माधो लाल हुसैन और जितने बड़े शायर हैं शाह लतीफ बटाई, गुलाम फरीद, इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, किसी ने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, और पूरी दुनिया में इनका नाम हमेशा रहेगा और आने वाली जब तक दुनिया कायम है, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, इनका नाम रहेगा। तो मैं जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नहायत शफीक इंसान थे, उन्होंने जब मेरा कलाम देखा तो मुझे बड़ी दुआएं दी और कहा कि सादक तेरा बड़ा नाम होगा। तो आज मैं जब उनकी वो बात याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं 2 वाक्य खान साहब के पेश करूँगा। एक दिन हम फैसलाबाद आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि आज ना मैंने एक टॉपिक है वो बताऊंगा सादक, आपने शायरी करनी है। तो हम यहाँ पे साबर होटल है, साबर होटल में वो बैठे, उस वक्त ना काने जो होते हैं ना जिससे कलम बनती थी वो दीवारों के साथ उन्होंने लगाए हुए थे, वो देसी घी का खाना पकाते थे। और जितने भी अदाकार हैं, जनाब सुल्तान रई साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, बड़े जितने भी हैं, सब उनके होटल से खाना खाते। ये उस दिन की बात है जब जिस दिन इकबाल हसन, आज से कुछ 30-35 साल पहले उनकी डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ, असलम परवेज भी उनके साथ थे। तो वो मुझे कहते हैं सादिक आज तुम मेरे साथ चल, आज मैंने तुझसे काम करवाना है पास बैठ के। ये मेरा पहला मौका था, या एक मैंने 1975 में पहला मौका था जब मैं सीढ़ियां चढ़ के गया, तो वो क्योंकि वाकया मैं बहुत शेयर कर चुका हूँ पहले अपने हर इंटरव्यू में। तो अब ये है कि मैं
ये वाकया मैंने हो सकता है शेयर कहीं किया हो, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि मैं बैठ गया और उस वक्त जनाब एक गाना था इंडिया का, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं करा। देखो शेर जो होता है ना, जो राइटर होता है जिसको अल्लाह ने राइटर बनाया हो, वो अपनी उसमें से कोई ना कोई बात निकाल लेता है। बात तो सारी एक ही है, वही लफ्ज होते हैं। जैसा है कि है जमाने में पता नहीं इस तरह का शेर है कि सुखनवर बहुत अच्छे हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं, मगर गालिब का है अंदाजे बयां। और यानी कि पूरा शेर मैंने सही नहीं पढ़ा या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक आपको मिसाल दी है कि राइटर जो होता है ना वो अपनी एक नई बात निकाल देते हैं। तो नाज़रीन ऐसा हुआ कि वो खान साहब कहते हैं कि इसके ऊपर मुझे सूफियाना कलाम चाहिए, बैर भी चेंज हो। बैर का मतलब होता है कि मतलब ला 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 ला, अब इस पे लिख रहे हैं। तो अगर मैं आज के राइटर को कहूं कि मुझे इस पे लिख के दिखा और वो भी 3 मिनट में, तो मेरा दावा है कि कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन या मैं ये भी बता दूं कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में कहता हूं कि कोई अगर किसी ने मेरा इंडिया में, हालांकि वो हमारे जो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन वहां की आवाम बहुत प्यार करती है। मैंने वहां भी चैलेंज दिया था, मैं अगले जनाब हंसराज हंस के व्लॉग में मैं बात ये बताऊंगा कि मैंने ऐलान किया कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा अगर मेरी इस लैन पे कोई शहर, वहां पे 300-400 शहर था और 3-4 हज़ार लोग थे। तो बहर मैं अपने वाक्य की तरफ आता हूँ कि नुसरत फतेह खान साहब मुझे अपने घर ले गए, वहां पे हम बैठे तो उन्होंने कहा इस पे लिखो। तो यकीन करें 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगा, मैंने कहा कि खान साहब केड़े घर जावा यो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब का दूजा घर यार का, ये बड़ी मशहूर कवाली है। तो उसका था कि एक तरफ उसका घर एक तरफ महकदा, ऐ गमे आशिकी कुछ तो दे मशवरा। अब मेरा और उसका जमीन आसमान का फासला है, फर्क है, लेकिन मैंने उधर से लिया ये मिसरा, हालांकि मेरा अलग है उसका अलग है। तो खान साहब मैंने जब पहला मुखड़ा लिखा तो खान साहब ने धुन बनाई, उन्होंने पहले ये कहा रा 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 रा, ये उन्होंने मैंने गुनगुनाया तो मैंने फौरन मिसरे कैच कर दिए, क्योंकि मैं 30 साल उनके 30-35 साल उनके उंगलियों का वजन देखता था कि वजन होता है शायरी में, मेन चीज वजन की होती है। तो जब मैंने ये मिसरा कहा तो खान साहब ने कहा भाई बहुत अच्छे, बहुत ऐसे करते थे वो, और मजाया भी बहुत थे, उनको मजाक सुनने का बड़ा शौक था। तो कहते हैं अंतरा, मैंने कहा खान साहब आप वजन दे दें, वजन ये होता है कि जैसे नक्शा होता है ना कि आप नक्शा दे दें मुझे, मैंने अपनी मर्जी से लिखना है, जब मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा तो फिर खान साहब तर्ज उसकी दोबारा बनाएंगे, अगर वो तर्ज बना के देंगे तो फिर मुझे उनकी तर्ज के ऊपर चलना है। तो फिर उन्होंने मुझे तर्ज दी कि आप इस वजन पे लिखो, तो जो उन्होंने वजन दिया उसमें मैंने फिर लिखा कि केड़े घर जावा यो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा है दूजा घर यार दा। उन्होंने वजन मुझे ये दिया यार वाल जावा ते ला 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 ला, ये मीटर मेरे फौरन मैं कैच कर देता हूँ विदन 10 सेकंड में। तो मैंने कहा खान साहब ये है कि यार वाल जावा ते सीधे मुंह बुलाता नहीं, उन्होंने अपनी तर्ज में फिट आ गया, यार वाल जावा ते सीधे मुंह बुलाता नहीं। अच्छा एक मैं और बताता चलूँ आपको, ये एक गिरा होती, गिरा क्या होती है, ये आज के शायर को गिरा का नहीं पता, ठीक है। तो वो जो ना यार वाल जावा उसे टोटे लाए मैं छोटे छोटे, तो वो उस पर मैंने कहा कि उसे गली च रब का घर यार जड़ी गली विच वसदा यार मेरा केड़े घर जावा, यार वाल जावा ते वो सीधे मुंह बुलाउंदा नहीं। तो उहदे ते मैं कुछ शेर होर भी लाए, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगे चलना कि जिस वेले मैं ये कहा तो खान साहब बड़े खुश होए। ये जी लिंक लैन होंगी ना, लिंक लैन नाजरीन उसे कहते हैं जो ऊपर वाले मुखड़े के साथ मिलकर वही उस वजन की लैन, दो लाइनों का अंतरा होता है और तीसरी लाइन पे वो लाइन लगानी होती, यार वाल जावा ते वो सीधे मुंह बुलाउंदा नहीं, रब वाल जावा ते वो सामने भी आउंदा नहीं। तो मैं अगे लिंक लैन ये लाई कि यार भी नहीं रखता तो रब भी नहीं मारता, तो खान साहब वाजा छड़ के ना ओए शोखी ना कर रब ते मिनट च मारदा। ते कोल जिहड़े दो तीन बंदे बैठे सी ना वह सारे हसन लग पे, खान साहब भी इस तरह करके हसते सन, अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो अज भी मैनू वो नक्शा जड़ा ना मेरिया अखा दे विच,
एक वाकया हो रहा है जनाब के तकरीबन अज तो 35-36 साल पहले का वाकया कि नुसरत फतेह खां साहब झंड बसार के अंदर जिथे उन्होंने घर से अपने वालद साहब की बरसी कराते सन उ सलामत अली खां गुलाम अली खां जितने बड़े इकबाल थे ये सब लोग उधर जाते थे। अच्छा उस वक्त बड़ा स्टेट बना होता था तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था, हमारे एक बड़े निजामी शहर थे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो वो भी जो है ना वहाँ पे बैठे थे और भी लोग थे, फना बलंग शहरी जिनका ये लिखा हुआ था मेरे रश के कमर, ये भी थे। उस वक्त मैं उर्दू शायरी नहीं करता था, उन्होंने मेरा कलाम सुना कहते हैं सादिक अगर तू उर्दू शायरी करता ना मैं तुझको ऐसा बना देता। तो मैं उस वक्त बच्चा था और मेरा काम भी अच्छा था और मैं बस शायरी के शौक में सारी सारी रात खान साहब के पास बैठा रहता था। जनाब जब वो बरसी लोग सारे कलाम पढ़ रहे थे, जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब एक सोफे पे राजमान थे यानी कि बैठे हुए थे बड़े इज्जत और वकार के साथ, उन्होंने वैद कदर की सलवार पहनी हुई थी और बोस की कदर का कुर्ता पहना हुआ था, तो उनके एक हाथ में नाग होता था अगर पुराने वीडियो में नजर आए मूंगा का, और वो दिल की शेप का था, तो वो ऐसे करके ना ऐसे बैठे थे। यकीन करें कि किसी ने कह दिया कि यहां पर बम लगा दिया गया, तो लाइटें बंद हो गई और सारे लोग, मैं भी भाग गया, तो खान साहब का हमें कहीं पता ही नहीं चला। आप सबको पता है कि उनकी काफ़ी हेल्थी तबीयत थी और वो मोटे थे बहुत, तो बाद में जब खान साहब मिले घंटे के बाद ना हमने ढूंढा तो खान साहब हम सबसे दूर जाके, वहाँ एक सिनेमा होता था और बूटा कबाबों वाला होता था और उस वक्त खान साहब का बिल 2.5-3 लाख रुपये बनता था जो वो मेहमानों को खिलाते थे, तो वो बड़ी जल्दी चले गए हमसे। अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह सदा अपनी उनकी फैमिली की कब्रों पे अपनी रहमत का साया रखे। तो नाज़रीन आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक था, तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, एसएम सादिक को दीजिए इजाज़त, हो सके तो दुआओं में मुझे याद रखें क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपकी आँख कभी दुख का आंसू ना देखे। अस्सलाम वालेकुम।